हेलो जेडी, हाउ Hi, आर यू? तुम I'm good and wishing you very happy new year to country 2024. तो इस नए साल के अवसर पर आप हमारे व्यूवर्स को कोई न्यू ट्रिप्स? इस नए साल पे आपको हम कुछ ऐसे वैल्यूबल टिप्स देंगे जिससे कि आपका जब आप फॉल सीलिंग का डिजाइन सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये छोटी छोटी बातें फ्यूचर में चल के आप आपके जो रूम का डिजायर्ड लुक चाहते हो वो नहीं आने देंगी, तो इनको हमें अभी ही इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और अपने जो पीओपी का जो डिजाइन एग्जीक्यूटर है, जो भी कॉन्ट्रेक्टर है, उसको बताना पड़ेगा सो दैट उसके अकॉर्डिंगली हम ये काम कर पाए। जी पॉइंट नंबर वन इज, जैसे हम अपने पीओपी के डिजाइन में प्री डिसाइड करते हैं कि लाइट की पोजीशन क्या रहेगी, फैन की पोजीशन क्या रहेगी, सेम वे हमें अपने कर्टन की पोजीशन, विड्थ, हाइट, लेंथ, सभी चीजें प्री डिसाइड करनी पड़ेगी सो दैट उसके अकॉर्डिंगली हम अपने पीओपी में कटआउट या कोप डिसाइड कर पाए, जी क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे कर्टन लगेंगे तो वो पहले ही प्री डिसाइड करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर टू इज एसी इंडोर यूनिट। एसी इंडोर यूनिट कभी भी कर्टन वॉल पे नहीं आना चाहिए, अगर वो कर्टन वॉल पे आएगा तो वो यूजली हमें अपने कर्टन की हाइट कम करनी पड़ेगी या उसकी लेंथ या विड्थ कम करनी पड़ेगी या एक फेक पेलमेट क्रिएट करके उसे कर्टन की हाइट को हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो इन सारी सिनेरियो में वो हमारे लुक को डिस्टर्ब करता है तो अवॉइड करें उसको उस कर्टन वॉल पे आने से, और नहीं तो फिर फेक पेलमेट क्रिएट करें। पॉइंट नंबर थ्री, कोब लाइट। जैसा कि कई बार हमने फील किया कि जो कर्टन की फीलिंग या जो कर्टन का लुक हमारे को शोरूम में दिख रहा था हमारे घर में नहीं आया, तो दैट्स बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग। शोरूम में उस कर्टन पे इतनी एप्रोप्रिएट लाइटनिंग रखी जाती है जो हमारे घरों में नहीं मिलती है, तो अगर हम सीओबी लाइट, कोब लाइट को यूज करें तो कोब लाइट से हमें फैब्रिक की डिटेलिंग का तो पता लगेगा ही लगेगा और वो लाइट का रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे भी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर फोर इज एक्यूरेट स्पेस इन द कोब। जब हम रूम डिसाइड करते हैं तो हमें ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस कॉन्सेप्ट में अपने रूम को रखना चाह रहे हैं, एज वी आर गोइंग टू फॉर कर्टन वर्सेज कर्टन और कर्टन वर्सेज ब्लाइंड और ओनली कर्टन, क्योंकि इन तीनों ही सिनेरियो में जो कोब का डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा, तो अगर हम ये पहले ही डिसाइड करेंगे तो पीओपी वाले को हम बता सकते हैं कि कितना कटआउट रखना है हमने कोब में। पॉइंट नंबर फाइव इज नेवर इग्नोर द हाइट ऑफ द रूम। हम अगर पहले ही डिसाइड कर लें कि हमें अपना रूम हाइट से ही कर्टन चलाना है, स्टैंडर्ड है कि हम कर्टन को टॉप एंड फ्लोर को यूज करें, एंड टू एंड वॉल टू वॉल यूज करें सो डैट हमारा रूम ह्यूज और बड़ा नजर आए, अदरवाइज अगर हम विंडो हाइट से चलाएंगे तो हमारा रूम बहुत छोटा नजर आना शुरू होगा। इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी डिस्कशंस के लिए अगर आपको चाहते हैं तो फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल करें 9813520303। थैंक यू, बाय बाय।